दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा नाबी एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट नंबर पर पैसे कैसे भेजते हैं। जैसा कि अगर आप नाबी एप्लीकेशन को यूज करते हो और नाबी एप्लीकेशन से आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हो किसी के भी बैंक अकाउंट नंबर पर, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन में नाबी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और जैसे आप नाबी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको नाबी एप्लीकेशन से पैसे को ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट में, तो इधर पर आप देखोगे आपको कुछ ऑप्शन शो किए जा रहे हैं, जैसे कि पे मोबाइल नंबर का, दूसरा मिल रहा है पे टू यूपीआई आईडी और बैंक, तो आपको इधर पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इधर पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इधर पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट का, आपको क्लिक करना है। और जैसे बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा ऐड बैंक अकाउंट, आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब इधर पर आप देखोगे तो आप जिसको पैसा भेजना चाहते हो आपको उसका अकाउंट नंबर लिखना है और फिर से आपको वही अकाउंट नंबर फिर से लिखना है, और जिसको आप पैसे भेज रहे हो उसके बैंक का आईपीसी कोड क्या है वो आपको लिखना है, और इधर पर उसका नाम लिखना है जो भी उसके अकाउंट में इधर पर नाम है, ठीक है। तो इधर पर आपको डिटेल देना है। चलो हम डिटेल को इंटर कर देते हैं। इधर पर हम डिटेल को इंटर करेंगे। जैसे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को इंटर करोगे तो आपको सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर पर जिसका बैंक अकाउंट नंबर आपने डाला है ना, तो उसका नाम इधर पर लिखा जाएगा, देख सकते हो उसके अकाउंट में क्या नाम है। उसका इधर पर बता दिया जाएगा कौन सा बैंक है, देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको मैं पैसे भेजना चाह रहा हूँ। उसके बाद उसके लास्ट के चार डिजिट मिल जाएगा अकाउंट नंबर के, इधर से भी आप फाइंड निकाल सकते हो और व्यू हिस्ट्री से जहाँ पे और डिटेल निकाल सकते हो। आप जितना भी पैसा भेजना उतने पैसे का अमाउंट लिखो, जैसे कि मैं सिंपल सा अमाउंट लिख दूंगा, ये मैंने अमाउंट लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे पे वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इधर पर आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन मांगा जाएगा, आपको अपना यूपीआई पिन देना। चलो हम यूपीआई पिन को इंटर कर देते हैं। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद सही वाले ऑप्शन में क्लिक कर दो, और जैसे सही वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे ये देख सकते हो पैसा ट्रांसफर हो चुका है बैंक अकाउंट में, और इधर पर हमको स्क्रैच कार्ड ही मिल चुके हैं, और स्क्रैच कार्ड में आप देख सकते हो इधर पर 40 नाबी कॉइन्स हमको मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना हो सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।